नंबर थ्री देखिए, थ्री नंबर में देखिए इंटीग्रल ऑफ दिया हुआ है x प्लस वन बाई में रूट ऑफ फोर प्लस का फाइव एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर डीएक्स, यानी ले लेते हैं लेट x प्लस वन इक्वल टू में a इंटू में डेरिवेटिव ऑफ किसका फोर प्लस का फाइव एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स और प्लस में b, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस वन इक्वल टू में a इंटू में इसका डेरिवेटिव फाइव माइनस का टू एक्स और प्लस का b हो जाएगा, x प्लस का वन इक्वल टू में फाइव ए माइनस का टू ए एक्स प्लस का b, ठीक है ना जी। अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, लिखते हैं बाई इक्वेटिंग कोफिशियंट ऑफ x एंड कॉन्स्टेंट, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का टू ए इक्वल टू में वन, यानी a इक्वल टू में आ जाएगा माइनस वन बाई टू, और माइनस फाइव ए प्लस बी, फाइव ए प्लस बी इक्वल टू में वन, तो फाइव ए का वैल्यू माइनस का वन बाई टू और प्लस का b इक्वल टू में माइनस फाइव बाई टू, उधर जाके ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे सेवन बाई टू आ जाएगा b का वैल्यू। हमें इंटीग्रल निकालना है x प्लस वन बाई में रूट ऑफ फोर प्लस का फाइव एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो एक काम करते हैं यहाँ पे x प्लस वन के यहाँ पे ये वाला स्टेप a इंटू में फाइव माइनस का टू एक्स प्लस का b और बाई में नीचे रूट अंडर फोर प्लस का फाइव एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स। चलिए अलग अलग करके a और b का वैल्यू रख देते हैं, a इंटू में इंटीग्रल ऑफ फाइव माइनस का टू एक्स बाई में रूट ऑफ फोर प्लस का फाइव एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस में b इंटू में इंटीग्रल ऑफ वन बाई फोर प्लस का फाइव एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स। ए और बी का वैल्यू, ए का वैल्यू माइनस वन बाई टू और बी का वैल्यू सेवन बाई टू, माइनस वन बाई टू इंटीग्रल ऑफ फाइव माइनस का टू एक्स बाई में रूट ऑफ फोर प्लस का फाइव एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स, बी का वैल्यू यहाँ पे सेवन बाई टू रख देते हैं, इंटीग्रल ऑफ वन बाई में रूट अंडर फोर प्लस का फाइव एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स। चलिए तो ये नीचे रूट वाले का डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस वन बाई टू इंटू में टू रूट अंडर फोर प्लस का फाइव एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस में सेवन बाई टू इंटीग्रल ऑफ वन बाई, नीचे फॉर्मूले पे सेट करना होगा। चलिए सेट करते हैं, यहाँ पर फोर प्लस का फाइव एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर है ना जी, जैसे फोर माइनस कॉमन करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का फाइव एक्स हो जाएगा, तो फोर ब्रैकेट के अंदर देखिए एक्स का स्क्वायर माइनस टू इंटू में एक्स इंटू में फाइव बाई टू लेना होगा, तो फाइव बाई टू का स्क्वायर ऐड करना होगा और फाइव बाई टू का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। चलिए तो यहाँ फोर, यहाँ से यहाँ फॉर्मूला सेट हो जाएगा एक्स माइनस फाइव बाई टू का होल स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस इसका हो जाएगा ट्वेंटी फाइव बाई फोर, तो इसको और इसको एक साथ ले लेते हैं, फोर फोर जस्ट सिक्सटीन, तो ट्वेंटी फाइव में और ट्वेंटी फाइव में सिक्सटीन को ऐड कर देंगे तो फोर्टी वन हो जाएगा, यानी कि रूट अंडर फोर्टी वन बाई टू का स्क्वायर और माइनस में एक्स माइनस फाइव बाई टू का स्क्वायर, इसी पे ना सेट हो रहा है। चलिए तो अब इसको वहां पर रखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा रूट अंडर फोर्टी वन बाई टू का स्क्वायर और माइनस ऑफ एक्स माइनस फाइव बाई टू का स्क्वायर। चलिए तो ये टू से टू कैंसिल, आ जाएगा माइनस ऑफ रूट अंडर फोर प्लस का फाइव एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस में सेवन बाई टू, ये साइन इनवर्स वाले पे सेट है ना जी, साइन इनवर्स एक्स माइनस फाइव बाई टू और बाई में रूट अंडर फोर्टी वन बाई टू प्लस में, से ऊपर एलसीएम ले लेंगे है ना जी, तो आ जाएगा यहाँ पर माइनस ऑफ रूट अंडर फोर प्लस का फाइव एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में सेवन बाई टू साइन इनवर्स, ऊपर नीचे एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा टू एक्स माइनस फाइव और टू से टू नीचे कैंसिल हो जाएगा रूट फोर्टी वन और प्लस में सी आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।